अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे से लेमन जो है वो बनना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर भी एक, ठीक है, एक यहाँ पे मैंने पहले आपको दिखाया ये जगह, और एक ये, और फिर ये, और फिर ये, इधर तीन इकट्ठे लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अब माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं। और उस साइड पे भी देखें, ये रहे पिद्दू पिद्दू से मेरे लेमन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये वाली जो टहनी है मुझे वैसे डर लगता है इसको भी तोड़ने से। ठीक है, अब ये अच्छे से ग्रो करेगी। मैं पानी देने के लिए आई थी ऊपर, मौसम आज अच्छा हो गया हुआ है। और ये मेरी प्यारी सी बेलें, प्यारी प्यारी सी, बस अभी जो है मैंने इनको ऐसे बांधा हुआ है एमरजेंसी के लिए। इसके साथ जो है इसको ऊपर ऐसे खड़ा करना है, पता नहीं किस दिन अबली जो है वो मेरे साथ ये काम करेंगे तो ये निपट जाए काम, फिर ये प्रॉपरली ग्रो तो कर रही है माशाल्लाह से। ये देखें ना, जहाँ पे इनको बांधा था वहाँ से ऊपर तक ये निकल रही हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से भी बन रहे हैं, बट हाँ माशाल्लाह बढ़ गई हैं, जहाँ से बांधा था वहाँ से बढ़ गई। बस अब दे नीड टू बी कि इसको पकड़ के ऊपर बांध दिया जाए और फिर ये प्रॉपरली ग्रो करें। आज मेरी कोशिश होगी कि लाजमी लाजमी मैं इनको जो है वो बांध दूँ, ये काम ख़त्म हो जाए कहीं, ये कितने ख़त्म हो जाए। मैंने तो कसम खुदा दी इन्हें बेचारे की फिक्र लगी रहती है। और उसे देख लो, मैं सुबह का किड़ा टाइम है, सुबह तो 6 बज रहे और मैं पानी देना आई हूँ। अच्छा, आजकल जो है वो किचन गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस आ रही है लोगों को, बिकॉज आप लोगों को शायद पता, और अगर नहीं पता है तो चले मैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आगे कुछ महीनों तक जो है वो आपको सब्जियाँ जो है वो मज़ीद महंगी मिलेंगी। बिकॉज आपको पता है कि जो डिज़ास्टर हुआ है पाकिस्तान के साथ ये सैलाब की वजह से, तो आपको जो ना वो सब्ज़ियाँ या तो मिलेंगी नहीं, या फिर जो है वो आप जो है वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी। अभी भी काफ़ी सारी महंगी बिकॉज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस बात है कि बाहर से आ रही हैं तो आपको रेट्स भी वैसे ही मिलेंगे। तो आई थॉट कि मैं क्या करूँगी, मैं ये जो प्लेस है ना इसको मैं सेटअप करना चाह रही हूँ। वो दूसरे साइड पर मेरा एक टेरेस है, ठीक है ना, सॉरी रूफ़ है, और ये मेरी इस साइड पे ये एक पिच्चू नहीं है, छोटा सा कमरा जैसे होता है। तो आई वांट कि मैं यहाँ पे जो है वो किचन गार्डनिंग सारी इधर कर लूँ, तो वो सैक वगैरह मंगवा के उसके अंदर मैं सारी अपनी करना चाह रही हूँ। दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब हो जाऊँ। वैसे ये जगह कम नहीं है, काफ़ी है माशाल्लाह से। और मैं क्या सोच रही थी कि मैं यहाँ पे जो ना वो पहले तो एक उसको क्या कहते हैं, जिसको लुक कहते हैं, ठीक है ना, ब्लैक कलर की जो, पहले वो भी उसकी एक परत बिछाऊं, उसके बाद फिर एक नायलन की शीट लगाऊं, उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डालूं, देन जो है वो रूफ़ टॉप गार्डनिंग जो ना वो इस तरह से होती है, अगर आप इफ़ यू वॉन्ट टू एड सम ग्रास ऑन योर रूफ टॉप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिक्योर योर रूफ विद दीज टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज अगर कहीं लीकेज होगी तो सासू मैं तुम छितर ला के मारना, मेरा कार बर्बाद करता। तो लेकिन वो अपनी जगह पे ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये भी जो ना वो काम नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, मुझे अपनी खुद ही ऐसी आ रही है, रहना तो मैं आप ही है, तो ऑब्वियस बात है रहना तो मैं आप ही है। तो सारा कुछ कर मैं बैठ गई, मैं थक गई सी काफ़ी देर, तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने लग जाता है पूरे पौधे में पानी देंदे, तो जब तो मैं बहुते कर ले तो मेरा घंटा तो कितने नहीं गया, 1.5 घंटा कोई पता नहीं, तुम्हें जरा छाटी काटी छाटी पानी ये वो पता नहीं कुछ तिने दिल तू हो जाता इन्ना टाइम है, लाइट नहीं आ रही उतनी। अच्छा, तो हाँ ये देखो जरा, लुक कितनी प्यारी लग रही है ये ना, ये जब ऊपर चढ़ जाएंगे ये मैंने पूरा एक आर्च बनानी है इसके साथ। एक लगड़ी है तो फिर आर्च बनेगी, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इट्स रियली फन। अगर तुम इनू एज ए फन लो और अगर तुम्हारी ये हॉबी बन जाए, तो टू बी ऑनेस्ट जो तुम अपने पौधे नू वधदा देखते हो ना, तो इट्स जस्ट लाइक अ फीलिंग, जैसे आप अभी किसी अपने बेबी को ग्रो कर रहे हो। अच्छा एक और, अच्छा मेरी पंजाबी भी साथ साथ चलती रहेगी, उर्दू भी साथ साथ चलती रहेगी, इंग्लिश भी साथ साथ चलती रहेगी, मैं इन्हें बेयर करना, ठीक है ना, मैं किसी टाइम भी कुछ भी बोल सकती है, मेरी ज़ुबान लड़खड़ा सकती है, उर्दू तो पंजाबी तो उर्दू हो सकती, सो बेयर विद मी, मैं इस तरह नहीं। अच्छा एक ए वाला पौधा तुम देख रहे हो ना,
एक ऐ तो जंगली उग गया ना, इन्हें तो मैं छेड़ दी नहीं। मैंने अच्छे लगते जंगली टाइप जो भी उग जाए अलग अलग वालों, वो ठीक है, मज़ेदार चीज़ है। अच्छा ए वाला जड़ा है ना, ए स्नेक प्लांट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा ये इसको जो ना वो आप इनडोर भी लगते, देखे ना हो गया ना पंजाबी तो उर्दू। अच्छा इसको मैं, एक वीडियो आ रही है इसके ऊपर, स्नेक इसके ऊपर इसके ऊपर एक आ रही है कि इसको काट के कैसे जो है वो आपने ग्रो करना है और इसको आपने डबल कैसे करना है। इट्स रियली 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 फन। यकीन करें जब आप इसको काट, आपको वो चीज़ें ही नहीं पता है जो मैं तो खैर सर्च कर रही हूँ और मैं उसके ऊपर पूरा एक इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदारी की बात तब होती है जब आप किसी पत्ते को काट के उसकी कटिंग, इसको कहते हैं कटिंग, तो कटिंग के साथ जब आप किसी भी प्लांट को आप ग्रो करते हैं और फिर जो आपके सामने उसकी खुद ही जड़ें जो बनती हैं ना, इट्स रियली सेटिस्फाइंग और बहुत बहुत मज़ा आता है, कसम से करके देख लें। लेकिन इसके लिए आपको जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज मैं तो जब किसी चीज़ में पढ़ जाती हूँ तो फिर मैं पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वो चीज़ फिर करती हूँ। तो आजकल जो है वो मेरा मूड गार्डनिंग का है और टिल माई लास्ट ब्रीथ इंशाल्लाह अल-अज़ीम मेरा यही रहेगा, इंशाल्लाह अल-अज़ीम अल्लाह ताला पूरा करने वाला है। इंसान बातें तो बहुत करता है लेकिन पूरी तो अल्लाह ताला ने करनी होती हैं, तो इरादे हम करते हैं लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, बिकॉज़ वही सबसे बेस्ट होता है। सो खैर कोशिश तो यही है कि लास्ट ब्रीथ तक तो इसके साथ ही, इनके साथ ही चलें, पौधों के साथ अपने। ये बहुत प्यारी मखलूक है। सर इरादे तो इंसान बड़े करता है लेकिन होंदा वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। इन शॉर्ट ये जो पौधा है ना, ये वाला और यार ऐ वाला, ठीक है, ऐ जड़ा पौधा ना स्नेक प्लांट, मैं तुम्हें दिखानी है नज़दीक तो तुम्हें अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। देखो ऐ वे इसकी, ये बहुत मोटे होते हैं, ठीक है, तो इसको जो है वो यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं। उसकी पूरी वीडियो जो है वो आएगी आइन व्लॉग पे। मैं आपको मामे बताऊंगी, इतना मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाहुल्लाज़ीम। बट आपको पता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है पता, हमारे इतने इतने दिन लग जाते हैं उनको ग्रो करते करते। आपके लिए एक मैंने ड्राशेना का जो मैंने वीडियो बनाई थी वो, उसका मैंने पूरा आपको ग्रो बताया कि मैंने काटा लगाया, पूरे 2 महीने लगे उसको, इतने इतने क्लिप बना बना के रखने पड़ते हैं और फिर वो सारी मैं आपके साथ शेयर की। सो इंशाल्लाह ताला अब दोबारा मिलूँगी। अब बस अनाया को जो है मैंने स्कूल भेजना है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे जाने में, तो उसे मैंने रोका ही तो कभी रोकया तो धंधा। खैर इन शॉर्ट अब मैं चलती हूँ, अब मुझे थोड़े से काम है वो मैं निपटाऊँगी और उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी। अब तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मुलाकात होगी। सूरज चढ़ गया है, ठीक है, सूरज बाबू अस्सलाम वालेकुम, ते तुहानू अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और दुआओं में मैंने भी याद रख लेना जो तुहानू तड़ा दिल करे थे। कर लिया करो, दुआवें अच्छी होंगे, याद रखना दुआवें करने के नाल तुसी जो किसी वास्ते दुआ करते हो सच्चे दिल नाल वापस मुड़ के तुहानू ही मिलता है, वो बिलीव इन मी करके देख लो। अल्लाह हाफिज़।